दावा है कि व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने पर भी सरकार 18% जीएसटी लगाएगी, जिसका भुगतान महीने के अंत में आपको अपनी जेब से करना होगा। चलिए देखते हैं हकीकत क्या है। सोशल मीडिया पर वायरल अखबार की कटिंग में बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, गुड मॉर्निंग मैसेज पर लगेगा 18% जीएसटी। अखबार में जैसी शक्ल इस कार्टून की बनाई गई, इस खबर को सुनने के बाद देश की आधी जनता के हाव भाव कुछ ऐसे ही हो गए। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। वायरल हो रहे कागज के इस टुकड़े में आगे क्या है, अब आपको वो दिखाते हैं। वायरल खबर में लिखा है, आने वाले 1 अप्रैल से जो गुड मॉर्निंग मैसेज भेजे जाएंगे, सरकार उन पर टैक्स लगाएगी। मोबाइल संचार मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी लेखपाल के अनुसार, आप जो भी गुड मॉर्निंग मैसेज भेजेंगे, व्हाट्सएप मैसेंजर उनका हिसाब रखेगा। ऐसे मैसेज पर 18% जीएसटी तय किया गया, जिसका महीने के अंत में बिल जनरेट होगा और मोबाइल बिल के साथ उसका पेमेंट करना होगा। सिर्फ दावा नहीं है, अखबार की कटिंग की शक्ल में वायरल खबर में ये भी बताया गया कि अचानक सरकार को गुड मॉर्निंग मैसेज पर जीएसटी लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई। वायरल खबर में लिखा है, सरकार ने यह फैसला उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लिया, जिसके अनुसार सुबह सुबह लाखों गुड मॉर्निंग मैसेज भेजे जाने की वजह से भारत में इंटरनेट की स्पीड धीमी पड़ जाती है। सरकार को उम्मीद है कि टैक्स लगाने से लोग गुड मॉर्निंग मैसेज कम भेजेंगे और इंटरनेट की स्पीड सुधर जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो सरकार गुड मॉर्निंग मैसेज रिसीव करने वालों को भी टैक्स के दायरे में लाएगी।